हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। लास्ट सेशन में हमने एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की एंड आज हम इस सेशन में करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको हम सीटीबीटी कहते हैं। तो ये क्या है? न्यूक्लियर वेपन है। इसको नॉन प्रोलिफरेट करने के लिए, इसकी आगे प्रोडक्शन ना हो, इसकी टेस्टिंग ना हो, इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए जी ट्रीटीज की जाती हैं। तो पहली जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी वो क्या थी? वो भी यही कहती थी जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है वो इसकी प्रोडक्शन नहीं करेंगे। एंड जो 5 कंट्रीज हैं जिनके पास उस टाइम तक न्यूक्लियर वेपन से, वो भी आगे इसको स्प्रेड नहीं करेंगे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का पीसफुल यूज़ तो हो सकता है लेकिन इसको डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये सब हमने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी में किया था। एंड उसके बाद आती है कॉम्प्रिहेंसिव, मीनिंग इससे भी बड़ी ट्रीटी, जिसमें सब कुछ बैन कर दिया जाएगा प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन्स की, टोटली ख़त्म करने के लिए स्टेप्स होंगे। तो उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको ख़त्म करने के लिए, इनको बैन करने के लिए जी ट्रीटी की जाती है। तो सीटीबीटी है क्या? तो सीटीबीटी क्या है? जैसे एनपीटी है वो मल्टीलेटरल ट्रीटी है, लाइक दिस सीटीबीटी भी क्या है? एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट कंट्रीज हैं, इसकी पार्टीज हैं, इसकी मेंबर बन जाती हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन पर्पस, एम यही है कि अर्थ पर जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर आर्म रेस है, इस पर कंट्रोल लगना चाहिए, इसकी प्रोडक्शन है बंद होनी चाहिए। तो मेन एम टू बैन न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन्स एंड अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, मीनिंग हम अगर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हैं वो एंड न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने के लिए जो एक्सप्लोजन किया जाता है वो सब बैन कर देंगे। अगर वो पर्पस आप कहते हो सिविलियन है चाहे फिर मिलिट्री पर्पस है, कोई भी पर्पस हो, इससे कोई मैटर नहीं है। बस जो बेची ट्रीटी को साइन करेगी कंट्री, वो अपनी कंट्री में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन नहीं कर सकती है। एंड उसी तरह अदर, अगर न्यूक्लियर नहीं है, कोई और न्यूक्लियर की फॉर्म में ही है, वो एक्सप्लोजन भी नहीं करेगी। अगर हमने इसको वेपन में कन्वर्ट नहीं किया तो भी हम जो एक्सप्लोजन टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह ये क्या करती है? एवरीवेयर एंड एनीवेयर एंड एनी वे, किसी भी तरीके कहीं भी कोई भी टेस्ट नहीं किया जा सकता है जब न्यूक्लियर वेपन है इसकी टेस्टिंग होती है। तो जब अमेरिका ने 1945 पर जापान पर बम गिराए थे, उससे पहले जब टेस्टिंग की थी मेक्सिको में, उस टाइम भी जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया था, तो चे 4000 डिग्री तक चला जाता है। तो इसीलिए इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए टेस्टिंग के ऊपर भी बैन लगा दिया जाता है। तो ये क्या कहते हैं? सीटीबीटी का पर्पस यही है कि हम पीस को चाहते हैं, इसीलिए अगर हर एक कंट्री है वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगी, उसकी टेस्टिंग करेगी, तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी वो कैसे फुलफिल हो पाएगा, इसीलिए ये हर एक चीज़ पर बैन लगाना चाहते हैं। तो जो सीटीबीटी है इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको कब कैसे एग्जिस्टेंस में लाया जाता है? तो इसके लिए कहा जाता है कि पहले कॉन्फ्रेंस और डिसआर्ममेंट, जिसको हम सीडी कहते हैं, तो उस टाइम 1950 से लेकर 90s तक का जो टाइम पीरियड है, अगर हम इसको कोल्ड वॉर पीरियड भी कहते हैं, अगर 45 से स्टार्ट कर ले जब न्यूक्लियर वेपन बन गए थे, उसके बाद रशिया ने 49 में न्यूक्लियर वेपन है इसको प्रोड्यूस कर लिया, तो उसके बाद जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम में न्यूक्लियर वेपन्स हैं बहुत ज़्यादा आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाती है। एंड जो स्मॉल स्टेट्स हैं वो डिसआर्मामेंट की डिमांड करनी शुरू कर देते हैं। इंडिया भी डिसआर्मामेंट की फीवर में
भी होता है, हमने किसी भी एक ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया था, हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के पार्टिसिपेट बन जाते हैं। तो डिसआर्ममेंट नॉन अलाइंड मूवमेंट है, ये हमारा पर्पज था। तो इसी तरह जब डिसआर्ममेंट की बात है वो चल रही थी, तो इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट ये क्या करती है, नेगोशिएशन करना स्टार्ट कर देती है ऑन CTBT इन जैन 1994 को। इससे पहले भी 1982 को जो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट है एक सब्सिडरी बॉडी है उसको इस्टेब्लिश करती है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है जे बनाई जाए। तो इस तरह जे 82 से प्रोसेस स्टार्ट होती है, 94 में जो इसका नेगोशिएशन है वो प्रोग्रेस की तरफ मूव करता है, एंड जो जे नेगोशिएशन थी 1996 तक जे तैयार हो जाती है। तो उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है वो 10th सितंबर 1996 को इस ट्रीटी को अडॉप्ट कर लेती है। जब इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है तो जे बाद में जो मेंबर नेशंस हैं उनके सिग्नेचर के लिए ओपन होती है। तो जे 24 सितंबर 1996 को ओपन कर दी जाती है, जिसको सबसे पहले यूएसए के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन है वो साइन करते हैं, और उसके बाद जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं वो साइन करते हैं, और उसके बाद अदर कंट्रीज हैं वो साइन करते हैं। लेकिन इंडिया जैसे NPT का मेंबर नहीं है, वैसे ही CTBT को भी ज्वाइन नहीं किया गया है। तो जो CTBT है इसका स्टेटस क्या है, इसको कब इनफोर्स में लाया गया है जे नहीं लाया गया है, जो इसका स्टेटस है आज भी इसका स्टेटस पेंडिंग है, जी कभी भी फोर्स में नहीं आई है। और दो 96 में सिग्नेचर के लिए ओपन कर दी गई थी, फिर भी जे अफेक्टिव में नहीं आ पाई है। तो इसके जो सिग्नेटरीज हैं 186 हैं, एंड रेटिफायर्स कितने हैं 174। मीनिंग USA की बात करते हैं, USA ने क्या किए थे, सिग्नेचर किए थे सबसे पहले, लेकिन उसने अपनी कंट्री में आज तक इस ट्रीटी को रेटिफाई ही नहीं किया है। रेटिफाई का मीनिंग होता है जो भी आपको अपनी कंट्री में इस ट्रीटी को अडॉप्ट करने के लिए जो मेजर्स लेने हैं वो लेने पड़ेंगे, जो चेंजेस करनी है वो करनी पड़ेंगी, तो लेजिस्लेटिव चेंज किया जाएगा, इसीलिए इसके रेटिफायर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो जो फोर्स में नहीं आ पाती है। अगर इसको फोर्स में लाना है तो इसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, जो इस ट्रीटी का आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है कि अगर इसको फोर्स में लाना है, इसको फोर्स में तभी लाया जा सकता है जब ऑल 44 स्टेट्स लिस्टेड इन अनेक्स 2, मीनिंग इसकी जो ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन की, अगर आप वेबसाइट पर देखोगे एनेक्स 1 एंड एनेक्स 2 स्टेट्स की नेम मेंशन है, एनेक्स 2 में 44 स्टेट्स हैं, अगर वो 44 स्टेट्स सभी के सभी जो एनेक्स 2 में इंक्लूडेड हैं अगर वो ट्रीटी को अपनी कंट्री में रेटिफाई करेंगे, उसके बाद ही क्या होगा, जी ट्रीटी कम इनटू फोर्स होगी, तभी फोर्स में आएगी। तो जो जी 44 स्टेट्स हैं जो इस लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं, वो 44 स्टेट्स कौन से हैं, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या न्यूक्लियर वेपन की कैपेबिलिटी है, उन स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है। इनमें से 44 स्टेट में से स्टिल 8 स्टेट्स हैं जो अभी अपनी कंट्री में इसको रेटिफाई नहीं किए हैं। जब तक जे 8 कंट्रीज हैं रेटिफाई नहीं करेंगी, तब तक इसको फोर्स में नहीं लाया जा सकता, इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो वो 8 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, ईरान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान एंड USA, इन्होंने अपनी कंट्री में इसको रेटिफाई नहीं किया, और कुछ कंट्रीज़ ने सिग्नेचर तो किए हैं लेकिन रेटिफाई नहीं किया, जैसे हम बात करते हैं USA की, चाइना की, इन्होंने साइन किए हैं लेकिन रेटिफिकेशन नहीं दी है, इसीलिए इसका स्टेटस अभी तक पेंडिंग है, इसको अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। एंड इसके लिए CTBT एक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बनाई गई है, जो क्या करती है, जो
CTBT की प्रोविजंस हैं इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है कि जे सभी कंट्रीज हैं अडॉप्ट कर लें, एंड जो जे CTBT की ऑर्गेनाइजेशन है जे कहाँ पर लोकेटेड है इन ऑस्ट्रिया कंट्री में वीना में जे लोकेट की गई है। तो जे हो गया स्टेटस ऑफ द CTBT। अब इसके बाद हम करते हैं मेन प्रोविजंस ऑफ द CTBT। जो CTBT है इसकी मेन प्रोविजंस क्या क्या हैं? फर्स्ट वन इज द ट्रीटी बैंड एवरी काइंड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जो हमने इसका एम में भी किया था। जो ये ट्रीटी है, ट्रीटी क्या करेगी? ट्रीटी कहती है किसी भी तरह का कोई भी हो एवरी काइंड ऑफ न्यूक्लियर वेपन टेस्ट है या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, आपने उसको नहीं करना है। नंबर टू, एन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम वाज टू बी सेटअप फॉर चेकिंग वायलेशन ऑफ CTBT। अगर कोई भी इस कंडीशन को, इस प्रोविजन को नहीं मानता है तो उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। तो इसके लिए CTBT को कैसे पता चलेगा? इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम है जो सेटअप किया गया है। तो ये क्या करती है? पूरी मॉनिटरिंग करती है। उसके बाद ये कहते हैं अगर आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना चाहते हो अंडरग्राउंड एटमॉस्फेयर एंड अंडर वाटर, किसी में भी जे अलाउड नहीं है एनी अंडरग्राउंड एटमॉस्फेरिक अंडर वाटर एक्सप्लोजन विल बी डिटेक्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ 20 स्टेशंस। अगर आप चाहते हो कि हमको जे पता ही ना चले कि मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं, इसके लिए 20 स्टेशन हैं इंटरनेशनल लेवल पर, इसको इस्टेब्लिश किए जाएंगे जो क्या करेंगे, डिडक्ट कर पाएंगे कि आपने एक्सप्लोजन किए है या नहीं है। क्योंकि जब भी एक्सप्लोजन होता है उसका इम्पैक्ट अर्थ पर भी पड़ता है, एटमोसफियर में भी पड़ता है और ग्राउंड वाटर में भी पड़ता है। इस तरह जे क्या करेगी, अच्छे से मॉनिटरिंग करेगी। अगर कोई कंट्री फिर भी ऐसा करती है, न्यूक्लियर टेस्ट करती है लेकिन मॉनिटरिंग में नहीं आ पाता, तो इसके लिए जे प्रोविजन की गई है कोई और कंट्री जिसको लगता है कि इस कंट्री ने क्या किया है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है, टेस्टिंग की है, तो वो क्या कर सकती है, इंस्पेक्शन की रिक्वेस्ट भी कर सकती है। एनी कंट्री कुड रिक्वेस्ट एन इंस्पेक्शन टू सी वेदर एन एक्सप्लोजन हैड बीन कैरिड आउट और नॉट, कि कोई एक्सप्लोजन हुआ है जे नहीं हुआ है। तो जब जे रिक्वेस्ट करती है उसके बाद 51 एग्जीक्यूटिव काउंसिल की कमेटी है, इनमें से अगर 30 मेंबर्स एग्री होते हैं तो उसकी इंस्पेक्शन की जाती है। तो जे होगी मेन प्रोविजंस। तो लेकिन जो जी प्रोविजंस हैं अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं, क्योंकि CTBT ट्रीटी है अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई है और लगता भी नहीं है कि फ्यूचर में जी जो ट्रीटी है बहुत ही जल्दी इम्प्लीमेंट हो पाएगी। क्योंकि इंडिया की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया की अपनी थ्रेट है, जिस वजह से हम CTBT को साइन नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया ने अभी तक CTBT को साइन क्यों नहीं किया है? हमने NPT को भी नहीं साइन किया है, लाइक दिस हमने CTBT को भी साइन नहीं किया है। ऑल्दो इंडिया है जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज हैं या फिर न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन है, हम इसको फेवर करते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई भी एक्सप्लोजन हो। इंडिया हैज़ कॉन्टिन्यूड स्पॉटर टू द आइडिया ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट बैन पॉलिसी। हम जे तो चाहते हैं न्यूक्लियर टेस्ट बैन पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, पूरे ह्यूमन काइंड के लिए थ्रेट है। इसके लिए हम 1978 में भी पार्शल टेस्ट बैन ट्रीटी है इसके फेवर में बात कर चुके हैं, और 82 में हमने कहा था न्यूक्लियर वेपन की प्रोडक्शन से जे फ्रीज होनी चाहिए, एंड उसके बाद 88 में एक्शन प्लान है वो भी प्रपोज कर दिया गया था कि टाइम बाउंड लगना चाहिए जिसमें सभी नेशंस हैं वो अपने न्यूक्लियर वेपन की प्रोडक्शन को ख़त्म करेंगे, जो भी न्यूक्लियर कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे, डिसआर्ममेंट करेंगे। तो ये प्लान भी हमने ही दिया था लेकिन फिर भी हमने इसको साइन नहीं किया है। हमारे जो रीजंस हैं वो क्या हैं, हम एम्फेसाइज करते हैं ऑन यूनिवर्सल कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट। हम ये कहते हैं अगर डिसआर्ममेंट होनी चाहिए, जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं उनकी भी न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट होनी चाहिए। अगर कुछ कंट्रीज के पास स्टिल न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो हमको कह रहे हैं कि आप अपने वेपन्स हैं वो प्रोड्यूस मत कीजिए, उसकी टेस्टिंग मत कीजिए।
तो जे क्या बन जाती है, डिस्क्रिमिनेटरी बन जाती है। डिस्क्रिमिनेशन तो है हैव्स एंड हैव्स नॉट के लिए। जो भी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम CTBT में भी है। एंड इसके अलावा सबसे मेन रीज़न सिक्योरिटी थ्रेट। सिक्योरिटी थ्रेट क्या है, चाइना एंड पाकिस्तान से। चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इन दोनों कंट्रीज में अगर साइन किए हैं, चाइना ने साइन किया है लेकिन स्टिल रेटिफाई नहीं किया है, पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया है, तो इंडिया कैसे साइन कर सकता है? जबकि हम तीन कंट्रीज हैं, हम तीन कंट्रीज कोई फ्रेंडली कंट्री तो नहीं है। फिर इसीलिए इंडिया भी सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से CTBT को साइन नहीं करना चाहता है। तो इसके क्रिटिसिजम्स क्या हैं, जो CTBT हैं इसको कुछ कंट्रीज ने रेटिफाई नहीं किया है, तो इसकी कुछ क्रिटिसिज्म के पॉइंट है, वो क्या हैं। फर्स्ट वन इज नो टाइम बाउंड फ्रेमवर्क फॉर न्यूक्लियर कंट्रीज टू डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर वेपन्स। जैसे इंडिया ने एक्शन प्लान प्रपोज किया था उसमें यही कहा था टाइम बाउंड फ्रेमवर्क बनना चाहिए, लेकिन वो नहीं बनाया गया है। एंड जो एंट्री इनटू फोर्स क्लोज है वो बहुत सारी कंट्रीज को एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसमें कहा गया 44 स्टेट्स हैं, अगर सभी के सभी इंक्लूड होंगी तभी जो फोर्स में आएगी। तो जिन्होंने रेटिफाई कर लिया मीनिंग उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन में आप डिस्क्रिमिनेशन ही तो कर रहे हो। एंड उसके बाद जो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं उनको तो एडवांटेज मिल रहा है, उनको तो आगे टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मैंने टेस्टिंग की हुई है, मैं आगे टेस्टिंग क्यों करूँगी, बिकॉज आई हैवंट रिक्वायर्ड। लेकिन जो स्मॉल कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, जिनको सिक्योरिटी थ्रेट है, दे रिक्वायर्ड टू टेस्ट देयर न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसका एडवांटेज तो मिल रहा है, लेकिन नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं इनको तो नुकसान हो रहा है। एंड लास्ट वन इज इट बैंड ओनली न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। जी किसको बैन करती है, न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट को। लेकिन इसके अलावा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट आर्मामेंट्स भी हैं, उसके वो ही बैन करना चाहिए, लेकिन उनको बैन नहीं करती। जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं, न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, वो स्ट्रैटेजिक आर्मरीज हैं, उसमें तो आगे बढ़ी हैं। तो मीनिंग क्या है, सिर्फ डेवलप्ड कंट्री हैं उनको एडवांटेज मिलेगा, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री, उनके लिए कोई भी एडवांटेज नहीं है। इसलिए हम इसको साइन नहीं करें और इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। तो इस तरह आज हमने जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है जिसमें NPT एंड CTBT को इंक्लूड किया जाता है, हमने वो किया, जो इंटरनेशनल लेवल पर सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटीज मानी जाती हैं, जिसे न्यूक्लियर आर्म रेस है, इसको कंट्रोल किया जाता है। विद दिस हमारे जो टॉपिक कंप्लीट होते हैं। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।